सिन तो नहीं है, मतलब कुछ लोगों की मैसेज आते रहता है, सर आप मुझे बता दो किस तरह से मुझे वेट कम करना है, लेकिन मैं ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है एक्टिविटीज़ करने को, या फिर मुझे, मतलब एक लोगों की बहाना होते हैं मुझे एक्टिविटीज़ नहीं करना, अब उनके लिए क्या करना, मतलब उनको ये बहाना रहता है कि मुझे मेहनत नहीं करनी, आप मुझे घर पे बैठे कुर्सी में बैठे लेटे लेटे मुझे बता दो, ऐसा कोई टिप्स बता दो कहीं मेरी वेट, मेरा वेट कम हो जाए, मतलब ये तो आप कुछ ना करने से तो वेट बढ़ा हुआ है, मतलब मैं सिंपली सा कहूंगा, कुछ ना करने से आपकी बॉडी तो सेफ से अनसेफ हुई है, सबसे मेन आपका जो पॉइंट है, तो आप फिर भी ये चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं और मेरा वेट लॉस भी हो जाए, मतलब किस तरह की माइंड सेट आप लेके चल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप तो, या तो मुझे लग रहा होगा, मुझे लगता है कि आप 100 डाइट प्लान अप्लाई कर चुके होंगे ऑलरेडी, ये XYZ XYZ 100 तरह की मेडिसिन चल रहा होगा आपको, अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी होगी, जरूर जरूर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, जरूर आपका कुछ ना कुछ इश्यू तो मेडिकल इश्यू चल ही रहा होगा, ठीक है, फिर भी आप बोल रहे हो कि मुझे एक्टिविटीज नहीं करनी मुझे, या फिर आप एक्सक्यूज निकालते हो एक्टिविटीज करने को और कहते हो कि मेरा वेट कम हो जाए और मैं फिट हो जाऊं, ऐसा मतलब इस तरह की जो लोगों की मेंटेलिटी होता है मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको मैं क्या सजेस्ट करूं, और ऐसे लोगों, मतलब अपने आप को तो कर ही रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं, और आप उनके आसपास लोगों को भी वो इस तरह के माहौल में डाल रहे हैं, आप खुद ही नोटिस कर सकते हो इस तरह के लोगों की, मतलब एक समझ लो अगर घर पे कोई उनका कोई होगा तो इनके सब, मतलब 70 to 80% लोगों सारे के सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होंगे, सबके सब ऐसे ही होंगे भाई, अगर तुम एक्टिविटीज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप ओबीस हो रखे हो, फिर भी आप कर रहे हो, कह रहे हो कि मुझे एक्टिविटीज नहीं करनी है, मुझे कुछ बता दो मुझे अपना वेट कम करने के लिए, मतलब आपका अपने तो 10 तरह की अपने बॉडी में इश्यूज पहले अपने पाल रखे हो, और एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, मतलब एक तो इश्यू और भी बढ़ सकता है आगे, ठीक है, तो बेटर होगा आप एक्टिविटीज स्टार्ट करो, जितना हो सकता है स्टार्ट करो, तो ये विथ टाइम ही आप उसको अचीव कर सकते हो, आप बोलोगे मुझे बिस्तर से नहीं उतरना है, बोलोगे मुझे सीढ़ी से नहीं उतरना है, मुझे बोलोगे कि आप कुर्सी से उतरना नहीं है और मेरी सब कुछ कर लो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, या तो आप जो पैसे आप खर्चा कर रहे हो तो सारे पैसे आप डॉक्टर्स को और मेडिसिन को बांट दो, ठीक है, या तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी लाइफ को लेके और अपनी जो आपके रिलेशंस हैं उन्हीं को थोड़ी सी माइंड में रख के एक्टिविटी स्टार्ट करो, ताकि आपको कुछ इश्यू हो तो उनको कुछ टेंशन ना हो, सबसे पहले सबसे मेन चीज़ तो ये है, अगर आपको कुछ इश्यू हुआ सबसे पहले तो आप तो बेड रेस्ट हो गए होगे, आपको तो जो भी होगा कम से कम जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको कितना टेंशन होगा, उस माइंड चीज़ों को माइंड में रख के आप क्या करना चाहते हो आप समझ लो, आप अभी तक समझ लीजिए आप मेडिसिन में काम चल रहा है आपका, मतलब एक धक्का मार के गाड़ी को ले जा रहे हो, आपको मैं इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कैसे भी हो के आपके सुबह मॉर्निंग में कम से कम पहले आप अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो कम से कम 30 मिनट्स का वॉक तो स्टार्ट करो, फिर आपको ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता एक लगेगा, हाँ पता है मुझे स्टार्टिंग मुझे पता है कि स्टार्टिंग में तो अनकंफर्टेबल लगेगा, स्टार्टिंग में आपको इश्यूज होंगे, यही आपका चैलेंज है और यही आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल बढ़ने का, कभी भी किसी को डिफिकल्टीज आता है तो मतलब है कि आप उस लेवल से आप नेक्स्ट लेवल में जाना है आपको, डिफिकल्टीज नहीं होगा तो आप एक लेवल से आप एक नेक्स्ट लेवल में कभी नहीं जा सकते, किसी भी लाइन में देख लो, किसी भी लाइन में कोई भी काम है कोई भी प्रोफेशन है कुछ भी हो, जब तक आपको डिफिकल्टीज नहीं मिलेगा तब तक आपको उसी जगह पर स्टक रहोगे, जैसे थोड़ा सा डिफिकल्टीज मिला समझ लो आप उस लेवल से आपको कुछ नया सीखे तब आके नेक्स्ट लेवल में क्रॉस कर रहे हो, तो वही आपका फिटनेस भी आपको अप्लाई होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज एंड प्लीज, आपको सजेशन है मेरे लिए, आप थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट करो और कम से कम अपनी तो नहीं कम से कम अपनी अपने जो अपने हैं कम से कम उनकी ख्याल करो, ओके, आई होप यू एंजॉय, थैंक यू सो मच।